कृष्णा और अर्थ प्रकाश टीवी देखने वालों का मैं शशि चौरसिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं पहुंची हूँ सेक्टर 16 में, वार्ड नंबर 3 में, जहाँ पे जो आजाद उम्मीदवार वेणु राव जी हैं, उनका चल रहा है कैंपेन, चुनाव प्रचार जारी है। तो जो पंचकुला के चुनाव पार्षद पद और मेयर पद को लेकर होना है, बाकी उम्मीदवार भी मैदान में उतर चुके हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, सीधी बात करते हैं आज कैंपेन के दौरान ही कि वेणु राव जी किस तरीके से कैंपेनिंग अपनी कर रही हैं और मैदान में किस तरीके से उतरी हुई हैं। तैयारी बहुत अच्छी है जी, आप देख लो कितने सपोर्टर्स और कितने लोग मेरे साथ हैं, तो हम लोग बहुत जोर से लड़ रहे हैं और आई एम श्योर कि विजय हमारी होगी। तो किन किन कुछ स्पेशल मुद्दे हैं आपके जो आप अपने वार्ड को देने वाले हैं आप कुर्सी हासिल करने के बाद? देखिए मुद्दे हर वार्ड के हैं, सारे वार्ड परेशान हैं, पुराने पार्षदों ने कुछ नहीं किया है। मैं तो नया इंसान हूं और सोशल वर्कर हूं और बड़ी खुशी के साथ लोग मुझे अपने अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो मैं यही कोशिश करूंगी कि हर एक वार्ड को, अपने हर एक सेक्टर को राधर साथ लेके चलूं, चाहे वो 16 हो, 17 हो, 18 हो, और साथ सभी मेरे लोग हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिसकी जिसकी जो जो भी समस्या है, चाहे वो गेट की समस्या है, चाहे वो नाले की समस्या है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स की समस्या है, हम पूरा करेंगे, बस इतना ही। विपक्षी पार्टी है जो कंपटीशन चल रहा होगा बीच में, उसको लेके सोच रहे हैं? देखिए कंपटीशन ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऑलरेडी थक चुके हैं, उनके पास मुझे नहीं लगता कोई मुद्दा है लड़ने के लिए, काम तो किया नहीं उन्होंने। सो पहली बात ये, और दूसरा जो मेरे बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं वो तो डमी कैंडिडेट्स हैं, उनका तो जहां भी वो वोट मांग रहे हैं वो वोट ऐसे मांग रहे हैं कि गोयल साहब को वोट दीजिए। सीबी गोयल की सीट नहीं है, सीट महिला की है, अगर महिला आपको लगता है कॉम्पिटेंट है तो आगे आए। और जहां तक भावना जी का सवाल है, मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई काम किया है 10 सालों में, तो काम सबका आगे आ रहा है। पुराने पार्षद आपके वार्ड के, उनके लिए बस ये कि इस बार जनता जाग चुकी है और मैं उम्मीद में हूँ कि इस बार नया बंदा आएगा, बड़े जोश के साथ आएगा और जितने भी काम हैं उनके वो पूरे किए जाएंगे। कुछ 3 मुद्दे जो कन्फर्म है कि वो आप देने वाली हैं अपने वार्ड को? देखो मुद्दे वो लोग देते हैं जो पॉलिटिशियंस और मुद्दों पे लड़ते हैं, मैं अपने आप से लड़ रही हूँ, अपने अपने वार्ड के लिए लड़ रही हूँ अपनी, चाहे वो छोटा मुद्दा है चाहे वो बड़ा, चाहे वो सफाई का है, चाहे वो गटरों का है, चाहे वो पेड़ों का है, चाहे वो कुत्तों का है, समस्या सबकी है, हम सब एक परिवार है, अकेले मेरे से नहीं होगा, मैं परिवार को साथ लेके चलूंगी, लोगों को साथ लेके चलूंगी और ये पूरी कोशिश करूंगी कि हर घर हर वार्ड जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम एक छोटे और बड़े मुद्दे को ना लें। जो जो प्रॉब्लम्स हैं मैं नोट डाउन कर रही हूं और मैंने उनकी सूची भी बना ली है, जीतने के बाद मेरा जनता सेवा ही मेरा धर्म रहेगा और मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि हर सेक्टर को साथ लेके चलूं। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।